नवरात्रि में अष्टमी नवमी प्रसाद के लिए हलवे की रेसिपी ढूंढ रहे हो तो 2 मिनट रुक जाओ, ऐसे बना लो, एकदम परफेक्ट और डिलीशियस बनेगा। ये 3 इंग्रेडिएंट से बनता है दोस्तों, और एक बार भी अगर आप ऐसे बनाकर खा लोगे तो एकदम परफेक्ट और डिलीशियस बनने वाला है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पर पतीला या सॉस पैन लेना है। इसमें 1 बड़ी कटोरी के करीबन चीनी ऐड करनी है और 2.5 कटोरी के करीबन पानी ऐड करना है। इसे ऐड करने के बाद इसकी एक चाशनी बना लेनी है। जब तक दोस्तों चाशनी बन रही है तब तक आप लाइक शेयर और फॉलो कर लो, और ऐसे रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हो मुझे ज़रूर लिखकर बताना। हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। आगे के पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, इसमें हम 1/2 कटोरी घी ऐड कर देंगे। साथ ही साथ इसमें 1 कटोरी आटा ऐड कर देना है और इसे एकदम अच्छे से मिक्स करना है और धीमी आँच में इसे पकाना है। धीमी आँच में पकाओगे तो क्या होगा, जो हमारा आटा है ना एकदम अच्छे से कुक हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू जब आने लगे तो समझ जाना आपका आटा जो एकदम अच्छे से कुक हो गया। इसे कुक होने में करीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। फिर इसमें हमने जो चीनी वाली चाशनी बनाई थी उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसे ऐड करने के बाद एकदम अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, और इसे भी मिक्स करते करते हमें 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक कर लेना है। दोस्तों ये हलवे की रेसिपी एकदम परफेक्ट है, ऐसे बनाओगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनेगा और एकदम ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। आप देख सकते हो थिक होना स्टार्ट हो गया है और ये कितना बढ़िया लग रहा है। इसके ऊपर आप चाहो तो फाइनली चॉप किए हुए नट्स भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा घी में सेक के ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है। पर हमारे घर में ऐसे ही बनता है ट्रेडिशनल तरीके से, तो आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।